हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पर्वत। यह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। सो फ्रेंड, यह वीडियो पूरा देखिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो फ्रेंड, चलिए प्रायद्वीपीय पर्वत देखेंगे। नंबर एक, विंध्याचल पर्वत। यह पर्वतमाला में गुजरात से लेकर पूर्व उत्तर प्रदेश तक जाती है। विंध्याचल पर्वत ही उत्तर दक्षिण भारत को स्पष्ट रूप से अलग करता है। इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर है। सेकंड है सातपुड़ा पर्वत। सातपुड़ा पश्चिम में राजपिपला से आरंभ होकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। महादेव और मैकाल पहाड़ियां भी इस पर्वतमाला का हिस्सा है। 1350 मीटर ऊंचा धूपगढ़ चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नंबर तीन पे है पूर्वी घाट। इसकी औसत ऊंचाई है 615 मीटर और यह श्रेणी 1300 किलोमीटर लंबी है। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। पूर्वी घाट के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियों को पालकोंडा, अन्नामलाई, नावादा और शिवराय की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट या सह्याद्री, इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है और यह पर्वतमाला 1600 किलोमीटर लंबी है। इस श्रेणी में दो प्रमुख दर्रे हैं, थालघाट जो नासिक को मुंबई से जोड़ता है और भोरघाट, तीसरा दर्रा पालघाट इस श्रेणी के दक्षिणी हिस्से को मुख्य श्रेणी से अलग करता है। अरावली पर्वत, यह राजस्थान से लेकर दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई लगभग 880 किलोमीटर है। ये विश्व के सबसे पुराने पर्वत है। गुरु शिखर 1722 मीटर इनकी सबसे ऊंची चोटी है। इस पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू स्थित है। प्रायद्वीप पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। सुदूर दक्षिण में काडोमम की पहाड़ियां है। नीलगिरी या नीले पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिम घाट व पूर्वी घाट की मिलन स्थली है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोहा बेट्टा है। थैंक यू।